मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। समाज में सभी वर्गों के लोगों के बीच समानता और एकरूपता का भाव लाने में बीजेपी की टिफिन कार्यक्रम बेहद ही लोकप्रिय हो रही है। खासकर दलित बिरादरी को हमेशा ही छुआछूत की भावना से ग्रसित रहना पड़ता है। ऐसे में बीजेपी का टिफिन बैठक समाज को ना जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि समाज में एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेता बन रहे हैं। राजधानी रांची में दलित समाज के नेताओं ने कुछ ऐसे ही भावनाएं मीडिया में रखी। देखिए, ये केवल एक बैठना और आपस में विचार करना और मित्रता करना ही एक मात्र इसका उद्देश्य नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने आपने सारी बात बताया, वो एकदम बिल्कुल वही उद्देश्य है इस टिफिन का। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आप छेड़े हैं वो तो हमारे संगठन में सब चीज़ तो नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना कभी कल्पना भी किए, क्योंकि माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सभी समाज को लेकर और दलित पिछड़ों को जो कहा कि सीमांत जो अंतिम पीढ़ी पर बैठा हुआ है उसको आगे लाना, ये सोच पंडित दीनदयाल जी की थी। इसलिए उस समय से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। 30 मई से 30 जून तक लगातार महासंपर्क अभियान चला। इस निमित्त कई एक 17-18 कार्यक्रम बीच में रहे, प्रबुद्ध सम्मेलन रहा, पत्रकारों से वार्ता रही, इंटेलेक्चुअल मीट हुआ और अन्य कई एक कार्यक्रम हुआ जिसके साथ हम लोग उनके साथ भोजन भी किए। और ऐसा कार्यक्रम के साथ साथ हम लोगों ने विशेष रूप से डोर टू डोर विजिट भी किए, घर घर संपर्क करके। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 साल जो ऐतिहासिक सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष बीता है, उसके माध्यम से हम लोग उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक ले जाने का काम किए हैं। उसी निमित्त यह एक टिफिन बैठक का कार्यक्रम रहा। जिस प्रकार पिछले बार हम लोग ने प्रबुद्ध जन लोगों के साथ में बैठक किए, भोजन किए, उसी का एक बृहद रूप है कि एक मंडल स्तर तक यह कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और सभी को सम्मान देने का, एक साथ लेके चलने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा भोजन एक कार्यकर्ता करता है, उसका भोजन हम जब ग्रहण करते हैं तो यह एक आत्मीय लगाव जो बढ़ता है। जिस तरह हमारे विधायक जी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद कि अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का जीवन स्तर समाज के सभी वर्गों में समान हो, उसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण और एक उदाहरण भी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और हमारा लक्ष्य है सेवा समर्पण और गरीब कल्याण, उसका यह उदाहरण है जो आप देख रहे हैं। हम सब भोजन भी कर रहे हैं, एक दूसरे का लाया हुआ गीत संगीत का भी आनंद लेंगे। यह पार्टी के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम है उसको हम सभी कर रहे हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान।
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।